आदाब, सत श्री अकाल, जय जवाहर। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत दस्तक पे। तो सबसे पहले आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, प्रज्ञा सूर्य, क्रांति सूर्य, सिंबल ऑफ नॉलेज, और इस देश के, भारत देश के जितने भी वंचित पिछड़े समाज के लोग हैं, सभी के मुक्तिदाता, महिलाओं के मुक्तिदाता, आज उनका महापरिनिर्वाण दिवस है। आज उनकी दोस्तों 6 दिसंबर को डेथ हुई थी 1956 में। तो सबसे पहले उनके चरणों में मेरा नमन है दोस्तों। आप लोग भी उनको याद कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जाके। आज भारत के वंचितों, पिछड़ों और गरीबों के मुक्तिदाता, इस देश की महिलाओं के मुक्तिदाता, इस देश की जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है उनको छुट्टी दिलवाने वाले, इस देश में जो मजदूर वर्ग होता है उनकी हक की लड़ाई लड़ने वाले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है आज भी मनुवादी मानसिकता वाले, आज भी ब्राह्मणवादी मानसिकता वाले, आज भी बाबा साहब से जलने वाले या कहे कि उनके संविधान को ना मानने वाले लोग उनको गाली देते हैं। ऐसा नहीं भाई कि पीठ पीछे छुप छुप के गाली दे रहे हैं, बढ़िया बाइक आधा कैमरे पे गाली दे रहे हैं, और मतलब इतनी बेशर्मी देखी है, सीना ठोककर गाली दे रहे हैं बाबा साहब को। लोग उनका वीडियो बना रहा है, एक व्यक्ति सामने वाला, लेकिन तब भी डर नहीं लग रहा है, इतने निडर है ये मनुवादी, जो हमारे मुक्तिदाता, हमारे बाबा साहब, हमारे बाप माँ, मतलब सब कुछ है वो हमारे लिए, उनको गाली दे रहे हैं। तो वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ऐसे जो चूतियों के बारे में आप लोग क्या बोलना चाहते हैं, ऐसे जो चूतिये इस देश में है या फिर और भी पैदा होने वाले हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं, सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जाके उत्तर दीजिए। और अब आप देखिए उस वीडियो को जिसमें एक मनुवादी मानसिकता वाला, एक चूतिया, एक ऐसा आदमी जिसमें ना अक्कल है और वो गू खाता होगा, गोबर खाता होगा और गाय का मूत्र पीता होगा, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया है, उनको किस प्रकार से गालियां दे रहा है। भीमराव अम्बेडकर मैम, क्या बोले? भीमराव अम्बेडकर महाराष्ट्र। और बोले थे? अच्छा, बहंगा लौड़ा था और क्या बोला? फिर से बोलो बोलो बोलो। कौन माधा चौथा? भीमराव। कौन है भीमराव? अबे अम्बेडकर तुम्हारा देवता। हमारा देवता? क्यों, हमारे घर के थे क्या? मानते, अरे मानती, दुनिया मानती उनको, तुम नहीं मानते हो? हम लंडन में, योगी मानता है, मोदी मानते हैं, उसमें वोट मांगते हैं, हम लंडन में मानते हैं, बीजेपी पूरी मानती है, हम लंडन में मानते हैं। तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो ना। तो देखा आपने इस बंदे का वीडियो, ये किस प्रकार से खुले आम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उनके महापरिनिर्वाण के दिन कह लीजिए या फिर किसी भी दिन कह लीजिए, उनको गाली दे रहा है। आज ये वीडियो मेरे हाथ लगा है दोस्तों, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ये वीडियो बनाकर आपके सामने प्रस्तुत किया जाए कि आज भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद, उनके द्वारा इतना महान संविधान देने के बाद भी लोग उनके प्रति कैसी सोच रखते हैं, कितनी घृणा करते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से। लेकिन हमारे लिए तो वो सब कुछ है, हमारा तो मुक्तिदाता है। तो हम लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करना है, इस वीडियो को और इस इंसान को इतना वायरल कर दो दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर कर दो कि हर भोजन समाज, हर अम्बेडकर वादी तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो अभी जाके अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में जाओ और इस वीडियो को शेयर करो। और हाँ, अगर आप आज के दिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखित संविधान खरीदना चाहते हैं, हाँ दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लिखित संविधान जो हमारे लिए जान है, हमारे लिए सबसे बड़ा ग्रंथ है, तो कमेंट बॉक्स में सबसे पहला लिंक होगा जिसे मैंने पिन करके रखा हुआ है, उस कमेंट में जाकर उस लिंक के ऊपर क्लिक करिए, तो आप डायरेक्ट डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उसे खरीद पाएंगे। और मेरा मानना है हर भोजन के घर में, हर अम्बेडकर वादी के घर में, हर बाबा साहब को मानने वाले के घर में आज के दिन या फिर रोजाना बाबा साहब का संविधान होना चाहिए। तो जाओ जल्दी से जाके संविधान को खरीद लो दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूले। भारत दस्तक को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल दबा दो। आने वाली वीडियो की हर लेटेस्ट अपडेट आपके मोबाइल पर आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए भारत दस्तक।